everyone, welcome to free study. Start करेंगे chapter number 7, fundamental rights, which is very important. And obviously we are doing this chapters from the Indian polity book of Lakshmikant, by Lakshmikant. So we have already covered 6 chapters. If you have not watched them, please go to the playlist and watch them. So let us start chapter number 7, fundamental rights. हमारे अधिकार, fundamental. ये part 3 के अंदर हैं, constitution के part 3 में हैं. And article 12 से शुरू होके article 35 तक हैं. जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये जो आर्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो लिए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, जहां कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स. देखिए, मैं आपको सिर्फ वही शब्द बताऊंगी जो इस चैप्टर में लिखे हुए हैं, बिकॉज वी आर डिकोडिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ इंडियन पॉलिटी ऑफ बाय लक्ष्मीकांत. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग और एंड आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग. लेकिन हाँ, जैसे ही हमारे ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, वी विल ऑल्सो डू सम क्वेश्चंस. सो पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी फंडामेंटल राइट्स हैं जो जस्टिसेबल हैं. जस्टिसेबल मीन्स यू कैन गो टू द कोर्ट फॉर दैट. सो फंडामेंटल जो हैं वो मोर इलेबोरेट हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग यूएसए. यूएसए में भी इतने अच्छे से डिफाइंड नहीं है जितनी इंडिया में डिफाइंड है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन इनको गारंटी देता है बिना किसी भेदभाव के. इसमें इक्वालिटी की बात करते हैं, डिग्निटी की बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट करता है. एंड जो अथॉरिटेरियन है उसको मना करता है. डिस्पोटिक जो रूल है उसके लिए क्या करता है, मना करता है. यहाँ पे आपको लिबर्टी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, अगेंस्ट द इन्वेशन ऑफ द स्टेट. यस, ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास अगेंस्ट द स्टेट. एंड दे ऑपरेट ऑन द लिमिटेशंस ऑफ द टेरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर. मीन्स इनका एम ये है कि गवर्नमेंट होनी चाहिए लॉज की, नॉट ऑफ मैन. नाउ, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें गारंटी करता है, प्रोटेक्ट करता है. तो फंडामेंटल इसलिए कहा गया है, साथ ही साथ में बिकॉज ये ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है, चाहे मटेरियल हो, इंटेलेक्चुअल हो, मोरल हो या फिर स्पिरिचुअल हो. तो ये हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि 12 से नहीं शुरू होकर 14 से शुरू होती हैं एंड 35 पे ना एंड होके 32 पे एंड होती हैं. तो आर्टिकल 14 टू 18 हम बात करते हैं इक्वालिटी की, देन फ्रीडम, 23-24 एक्सप्लॉयटेशन, 25-28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, 31 राइट टू प्रॉपर्टी जो कि अब खत्म हो गई है, लीगल राइट बन चुकी है, एंड 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज. नाउ राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो गई है फंडामेंटल राइट से. 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, जिससे फंडामेंटल राइट्स डिलीट हो गई एंड इसको लीगल राइट बना दिया गया. कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12th में आ गई है अब ये, पार्ट 3 से हटके. एंड आर्टिकल पहले था 31, अब बन गया है 300A. तो अब हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. तो फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या हैं? एक तो ये सिर्फ सिटीजन्स को हैं, ठीक है, फॉरनर्स को, लीगल पर्सन्स को. देखिए, सिटीजन्स चाहे फॉरनर्स हों, लीगल पर्सन्स हों, दीज आर वाइल दीज आर ओनली टू द सिटीजन्स. ये सिर्फ सिटीजन्स को हैं, वाइल अदर्स जो बाकी राइट्स हैं वो सिटीजन्स को भी हैं, फॉरनर्स को भी हैं, लीगल पर्सन्स लाइक कॉरपोरेट्स एंड कंपनीज को भी हैं, बट फंडामेंटल राइट्स आर ओनली फॉर द सिटीजन्स. ये एब्सोल्यूट हैं, क्वालिफाइड, दे आर नॉट एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड होती होनी है. अगर मान लीजिए आप किसी का कत्ल कर दें एंड बोल दें कि नहीं, हमारे पास तो फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम, देन नहीं, क्योंकि आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं. तो एक रेस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर. रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं एंड दीज रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल एंड नॉट इज टू बी डिसाइड by the courts. ये balance है between the rights of the individuals and as a whole. Okay, ये जो rights हैं mostly available हैं against the arbitrary action of state के against हैं and कुछ exceptions भी हैं, but these are the rights which are available against the state only are violated by the private individuals. अगर सिर्फ कोई personal, जैसे मान लीजिए अगर आप एक person है and दूसरा person है, अगर सिर्फ आपके बीच में कोई problem है तो वो आपकी fundamental rights में नहीं आती. वो legal remedies हैं, ना कि constitutional remedies. कुछ आपकी जो fundamental rights हैं वो negative भी हैं character में, क्योंकि वो limitations लगाती हैं state की authority पे. कुछ positive भी हैं,
ओके देन दे आर जस्टिसेबल, जस्टिसेबल हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं इनके इन्फोर्समेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट इन्हें डिफेंड करता है, गारंटी करता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, अगर हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया उसके अगेंस्ट भी आप अपील कर सकते हैं, दे आर नॉन सैक्रोसेंट और परमानेंट, मीन्स ये परमानेंट है, ये बार बार चेंज नहीं हो सकती, पार्लियामेंट इनको करटेल और रिपील कर सकता है, लेकिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा, ऑर्डिनरी एक्ट से ये चेंज नहीं हो सकती, तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना, ठीक है, ये हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे भी। हाँ, जब नेशनल इमरजेंसी होती है उस टाइम पे ये सस्पेंड हो जाती है, सिर्फ आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के, बाकी जितनी भी सिक्स राइट्स हैं 19 के अंदर वो सिर्फ सस्पेंड होती हैं ओनली जब कोई वॉर या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, जो हम चैप्टर 16 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपका आर्टिकल 20 एंड 21 नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे एंड आर्टिकल 19 वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे, इनका जो स्कोप है वो लिमिटेड है आर्टिकल 31 ए के अंदर एंड आर्टिकल 31 बी एंड आर्टिकल 31 सी भी पढ़ेंगे हम, बिकॉज 31 वॉज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी एंड दिस आर रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, सेविंग ऑफ लॉ, सो वी विल डू दिस। एंड जो एप्लीकेशंस हैं, देर एप्लीकेशंस टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आर्टिकल 33 के अंदर अगर आर्म्ड फोर्सेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, पुलिस फोर्सेज में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में, एनालॉगस सर्विसेज में ये रेस्ट्रिक्टेड हैं, एब्रोगेटेड हैं, पार्लियामेंट ने इनको मना किया हुआ है, इनका एप्लीकेशन रेस्ट्रिक्टेड है वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स, मार्शल लॉ का मतलब मिलिट्री रूल इम्पोज हो जाता है अगर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेज होते हैं टू रीस्टोर ऑर्डर, सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो 33, 34 एंड 35 ध्यान रखिएगा, अगर आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनालॉगस सर्विसेज के अंदर आप काम करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाती हैं बाय द पार्लियामेंट। देन इनका जो एप्लीकेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है जब मार्शल लॉ फोर्स में होगा, मार्शल लॉ मीन्स जब मिलिट्री रूल चल रहा है तो, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर नहीं। मोस्ट ऑफ देम डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं एंड कुछ के लिए लॉ को इन्फोर्स करना पड़ता है एंड ये जो लॉ है ये पार्लियामेंट बनाती हैं ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। सो दीज आर द आर्टिकल 33, 34 एंड 35 जिसको मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। देन स्टेट, स्टेट का क्या मतलब है, देखिए स्टेट के अगेंस्ट ही तो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो स्टेट में क्या क्या आएगा, आर्टिकल 12 यही बताता है, स्टेट के अंदर गवर्नमेंट आएगी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आएगी, मीन्स एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स आएंगी, स्टेट्स की गवर्नमेंट लेजिस्लेचर आएगी, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पार्ट्स आएगा, सारी लोकल अथॉरिटीज़ दैट इज़ म्यूनिसपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट आएंगे, सभी दूसरी अथॉरिटीज़ जैसे कि LIC, ONGC, सेल, ये सभी आएंगे। तो स्टेट एक वाइडर सेंस में डिफाइन किया गया है जिसके अंदर एजेंसीज भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है, क्योंकि आप फोर्थ पॉइंट को देखेंगे, सो दीज आर द एजेंसीज, सो इट इज़ द एक्शन ऑफ द एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज्ड, अगर ये एजेंसीज भी आपकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं देन यू कैन गो फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई प्राइवेट बॉडी, अगर कोई एजेंसी जो कि इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही हो तो वो भी स्टेट की कंडीशन में फॉल करेगी अंडर आर्टिकल 21। नाउ देयर आर सम लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 ये कहता है, आर्टिकल 13 पहले लॉ को गलत तरीके से मीन्स नेगेटिव वे में डिफाइन करता है कि वो लॉ जो हमारी फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट करे, इनकंसिस्टेंट रहे, वो लॉ भी वॉइड है, मींस जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है। देखो हमें फंडामेंटल राइट्स दे दी गई लेकिन ये कहाँ बताया गया है कि अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स फुलफिल नहीं होंगी तो हम ये कानून का उल्लंघन है दैट वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, देन दिस इज गिवन इन आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 ये भी ये बात करता है कि लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन जाएगा, इनवैलिड बन जाएगा अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स कॉन्ट्रावीन होती हैं तो। सो जो लॉ है आर्टिकल 13 के अंदर वो वाइड कॉनोटेशन की तरह यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ बताया जा रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट ने जो परमानेंट लॉज बनाए हैं या जो टेम्पररी लॉज भी हैं जैसे कि प्रेजिडेंट ऑर्डिनेंसेज इशू कर देते हैं या जो स्टैचुटरी इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं लाइक ऑर्डर, बाय रूल, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन या जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज भी हैं, सो सिर्फ दस नॉट ओनली अ लेजिस्लेशन, सिर्फ एक लेजिस्लेशन ही नहीं बल्कि
ये सब चैलेंज हो सकते हैं. अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है देन दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड. सो फंडामेंटल 13 डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट अ लॉ, हैंस कैन नॉट बी चैलेंज. तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के अंदर यही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप इसी बेसिस पर चैलेंज कर सकते हो अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है. एंड अगर आपने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया विच वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट, तो वो कानून भी क्या होगा, वॉइड होगा. ओके, नाउ अब हम कुछ फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे. 14 टू 18 में राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं. 14 में कहा गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. इक्वल बिफोर लॉ मीन्स सबको एक ही सजा. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मीन्स अकॉर्डिंग सजा. बच्चा है कम सजा मिलेगी, बड़ा है ज़्यादा सजा मिलेगी, लाइक दैट. आर्टिकल 15, देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे. आर्टिकल 16, आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी. आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन है, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, छुआछूत की बात नहीं कर सकते हैं, टाइटल्स आप नहीं ले सकते, सिर्फ एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक. मिलिट्री एंड अकेडमिक टाइटल्स आप ले सकते हैं, लेफ्टिनेंट ये सब लगा सकते हैं अपने आगे, डॉक्टर लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने आगे राजा महाराजा नहीं लगा सकते. सो 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं. इसका शॉर्ट ट्रिक है डाउट. डी से आपका हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी एंड टी से टाइटल्स. नेक्स्ट में आपकी बात आती है राइट ऑफ फ्रीडम. 19 ए से लेके 19 एफ तक राइट है, 6 राइट्स हैं आपकी. एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन. फिर उसके बाद 20 आता है आपका फॉर द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, अगर आपने कोई गलती भी किया, अभी मैं इनको समझाती हूँ. देन 21 लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो आपका राइट टू मैरी क्वेश्चन पूछा गया था. देन 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बाद में जोड़ा गया. देन आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. सो दीज आर द राइट्स 19 टू 22. देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दो राइट्स हैं 23-24 में, कि ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती ह्यूमन बींग्स की, आपको ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा एंड बच्चों को आप एम्प्लॉयड नहीं कर सकते फैक्ट्रीज के अंदर. आर्टिकल 25 टू 28 राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी फ्री, आपको पूरा कॉन्साइंस प्रैक्टिस, आप कोई भी रिलीजन को आप मान सकते हैं, रिलीजियस अफेयर्स आप मैनेज कर सकते हैं, किसी रिलीजन के बेसिस पे आपको कोई टैक्सेस नहीं पे करने, आप अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी अटेंड कर सकते हैं. 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है, आपकी लैंग्वेज, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा. 30 के अंदर माइनॉरिटीज़ को हक है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं. 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है, अगर फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करनी है देन यू कैन गो फॉर द सुप्रीम कोर्ट, जहां रिट्स इशू किए जाएंगे, जो कि हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी एंड क्यो वॉर रेंटो. ओके, सो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि फॉरनर्स को भी अवेलेबल हैं. एंड ये तो देखिए सिर्फ सिटीजन्स को ही हैं, जो मैंने आपको बताई 15, 16, 19, 29 एंड 13. तो इनको आप रट लीजिए कि ये फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं, 15, 16, 19, 29 एंड 30. बाकी जो हैं आपकी किसको अवेलेबल होंगी, सिटीजन्स को भी एंड एनिमी एलियंस को भी, एनिमी एलियंस को छोड़ के जो आपके फ्रेंडली एलियंस होते हैं, ठीक है. तो वो आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिए 15, 16, 19, 29 एंड 30 आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स. अब बात करेंगे हम राइट टू इक्वालिटी की. सो फर्स्ट इज़ योर राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 कहता है दैट देर इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. किसी भी पर्सन को इक्वालिटी के बेसिस पे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं. एंड अगर वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर है सो ये सभी पर्सन को है, क्योंकि देखिए हमने अभी किया था कि आपके जो आर्टिकल्स हैं, जस्ट अ मिनट लेट मी शो यू द अगेन, इसके अंदर देखिए सिटीजन्स के लिए 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये हैं. तो आर्टिकल 14 फॉरनर्स के लिए भी है एंड इंडियंस के लिए भी है. तो आप ये ध्यान रखिए 15, 16, 19, 29 एंड 30 आर नॉट फॉर आउटसाइडर्स. तो 14 भी आपका सिटीजन्स के लिए भी है और साथ ही साथ में फॉरनर्स के लिए भी है. तो पर्सन लीगल पर्सन होना चाहिए, चाहे वो कंपनी हो, कॉरपोरेशन हो, रजिस्टर्ड सोसाइटी हो या किसी भी टाइप का लीगल पर्सन हो, आप कानून के सामने सभी बराबर हैं
एंड देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश का है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन का है. पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप कोई भी पर्सन, देर इज़ अ एब्सेंस, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा. ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ है तो सबको मानना होगा. कोई भी पर्सन कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो पुअर हो, हाई हो, लॉ हो, ऑफिशियल हो या फिर नॉन ऑफिशियल हो. दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. एंड जी, जैसे कि मान लीजिए, देखिए फर्स्ट केस में तो ये है इक्वल बिफोर लॉ में. यहाँ पे एक बच्चा कत्ल करते है, एक बड़ा कत्ल करते है, या आप करते हो, एक मर्डरर ही है, आपने इसलिए किया क्योंकि आपके ऊपर अटैक हो रहा था, तो आप दोनों को सज़ा मिलेगी. जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आपकी कंडीशन देखी जाएगी कि अच्छा, आपके ऊपर अटैक हो रहा था इसलिए आपने काउंटर अटैक किया, तो वो आप बच सकते हो वहाँ पे. तो यहाँ पे इक्वल बिफोर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर इंडिया में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, मीन्स आपकी कंडीशन देखी जाती है. मीन्स यू हैव टू, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. आपको लाइक एंड अलाइक देखना होगा, दोनों लॉज को आपको देखना होगा कि सिमिलर सिचुएशन क्या है. तो पहला तो नेगेटिव हो गया ना, दूसरा पॉजिटिव है. एम यही है कि लीगल स्टेटस बना रहे, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस बनी रहे. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इक्वल्स एंड अनइक्वल्स को अलग अलग ट्रीट करना चाहिए, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई. तो आर्टिकल 14 ने एक क्लास लेजिस्लेशन बनाई एंड इट परमिट्स कि क्लासीफाई कीजिए पर्सन्स को, ऑब्जेक्ट्स को, ट्रांजेक्शन्स को बाय लॉ. लेकिन अगेन, ये जो क्लासिफिकेशन थी शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल एंड इवेसिव. इसीलिए इंटेलिजेंटली डिफरेंशियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन लाई गई. सो वी इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ की जगह क्या कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. तो इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है जो कि ब्रिटिश ज्यूरिस्ट ए वी डाइसी ने प्रोपाउंड किया था. एंड उनका कॉन्सेप्ट यही था कि देर शुड बी द एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर. किसी भी पर्सन को आप तब तक पनिश नहीं कर सकते हो जब तक कोई कानून ना तोड़े. इक्वल बिफोर द लॉ मीन्स कि सभी सिटीजन्स को बराबर सज़ा मिलेगी. एंड द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बड़ा है. एंड द फर्स्ट और जो सेकेंड एलिमेंट्स है वो इंडियन सिस्टम में भी एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन थर्ड सिस्टम में नहीं एप्लीकेबल होता क्योंकि इंडियन सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स है. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दैट जो बेसिक फीचर है दैट इज़ रूल ऑफ लॉ. तो रूल ऑफ लॉ को तो आप नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है. इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय एन अमेंडमेंट. क्योंकि रूल ऑफ लॉ तो देखिए यही हो गया कि आप कोई भी मैन, नो मैन कैन बी पनिश्ड. आप किसी आदमी को तब तक पनिश नहीं कर सकते जब तक वो कानून नहीं तोड़ेगा. इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स कि सभी सिटीजन्स को बराबर सज़ा मिलेगी, मीन्स बराबर उनके लिए कानून है. द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. नाउ दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड जो हमें पढ़ना होगा, एक्सेप्शंस पढ़ने होंगे. रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एब्सोल्यूट नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूशनल है एंड इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. देखिए, अगर प्रेसिडेंट है या गवर्नर है स्टेट का, तो उसको आर्टिकल 361 में कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई हैं. क्या इम्यूनिटीज़ दी गई हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी कोर्ट में जाके आंसर नहीं करते, अपनी पावर एंड अपने ड्यूटीज़ को किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, उनको अरेस्ट या जेल में नहीं डाला जा सकता जब वो अपनी पोजिशन में है, कोई सिविल प्रोसीडिंग्स भी प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ नहीं हो सकते जब वो अपने ऑफिस में हैं, लेकिन उनको 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है उससे पहले. सो नाउ कम्स द एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी, कि इक्वालिटी कहाँ कहाँ नहीं है. देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और जो गवर्नर होते हैं वो कुछ इम्यूनिटीज़ इन्जॉय करते हैं आर्टिकल 361 के अंदर. कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है कि उन्होंने ऑफिस के टाइम अपनी क्या पावर्स या कैसी ड्यूटीज़ अपनी एक्सरसाइज की, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती 2 महीने का नोटिस दिए बिना उन्हें. सो ये कुछ मतलब एक्सेप्शनल्स हैं कि यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं कि हर कोई इंसान फिर इक्वल हो गया. देन सेकेंड ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर, चाहे रेडियो टेलीविजन के थ्रू, ऑफ द ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ और आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट.
ये भी आर्टिकल 361 ए में ही कहा गया है कि कोई भी पर्सन को सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप नहीं कर सकते हो अगर वो कोई न्यूज़पेपर के अंदर कोई ट्रू रिपोर्ट पब्लिश करता है पार्लियामेंट की या हाउस ऑफ लेजिस्लेचर की। देन कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लायबल नहीं है कि वो कोर्ट में मींस अगर उसने कोई वोट दी है एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ देन कोई भी पर्सन लायबल नहीं है इसके लिए कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को जाए कि अगर कुछ भी कहा गया है तो। ये आर्टिकल 105 में कहा गया है। सिमिलरली लेजिस्लेचर वालों के साथ भी यही हाल है कि स्टेट के लेजिस्लेचर भी कोई लायबल नहीं है कि वो किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग में जाएंगे ऑफ एनीथिंग सेड या कोई भी उन्होंने वोट अगर लेजिस्लेचर में दिया है। ये आर्टिकल 194 में कहा गया है। देन आर्टिकल 14 तो देखिए ये कहता है सब बराबर है, लेकिन आर्टिकल 31 सी इसका एक्सेप्शन है जो कि नेक्स्ट यूनिट के अंदर आपको पढ़ाया भी जाएगा डीपीएसपी के अंदर कि आर्टिकल 39 को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो इफ़ ऑन द ग्राउंड दैट दे आर वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां आर्टिकल 31 सी आ जाएगा वहां आर्टिकल 14 क्या होगा चला जाएगा, जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर समझाया जाएगा। जितने भी फॉरेन सॉवरन रूलर्स हैं एम्बेसडर्स हैं डिप्लोमेट्स हैं वो इम्यूनिटी इन्जॉय करते हैं फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स, उनके खिलाफ भी क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स आप नहीं कर सकते हो। सिमिलरली जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो ऐसी एजेंसीज हैं वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी इन्जॉय करती हैं। सो ये कुछ एक्सेप्शंस हो गए। देन देखिए डिस्क्रिमिनेशन भी होता है सेकेंड, तो पहले तो आपको ड्यूटी वो राइट्स पढ़ा देती हूँ मैं। सेकंड राइट है जो आपका डाउट वाला रूल है डी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा भेदभाव नहीं होगा रिलीजन रेस कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर, ये आर्टिकल 15 कहता है। टू क्रिटिकल पॉइंट है इसके, डिस्क्रिमिनेशन ओनली, ठीक है, ओनली ऑफ रिलीजन। जो वर्ड डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि आप कुछ एडवर्स अलग से उनके साथ बिहेव नहीं करोगे, मीन्स अनडिस्टिंक्टली अनबिहेवियर उनके साथ अनफेवरेबल बिहेवियर और या अनफेवरेबली आप उनको अलग नहीं समझोगे। ओनली का मतलब कि सिर्फ यही वो ग्राउंड्स हैं, ओनली कोनोट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज नॉट प्रोहिबिटेड, मतलब अगर आप किसी और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो वो तो अलाउड है, ठीक है, लेकिन इन बेसिस पे अलाउड नहीं है। सेकेंड प्रोविजन आर्टिकल 15 ये कहता है कि कोई भी सिटीजन, कोई चाहे वो डिसेबल हो रेस्ट्रिक्शन हो मीन्स जैसे रिलीजन हो गया रेस कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, आप शॉप्स पे जा सकते हो पब्लिक रेस्टोरेंट्स होटल्स वगैरह में जा सकते हो, आप वेल्स जैसे बोलते थे ना मंदिर में नहीं जाने देते थे, कुएं का पानी नहीं लेते लेने देते थे, आप उस वहाँ पर जाकर नहा नहीं सकते उस बाथिंग घाट पे, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी उसको आर्टिकल 15 क्या करता है ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो ये चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द स्टेट आल्सो एंड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल आल्सो, ठीक है। अब इसके भी देखिए तीन एक्सेप्शंस हैं, क्या तीन एक्सेप्शंस हैं, एक तो स्टेट खुद अलग से प्रोविजन बनाते हैं विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, लोकल बॉडीज़ हो या आपका जो है म्यूनिसपैलिटीज़ हो उसके अंदर विमेन के लिए सीट रिजर्व करते हैं ना, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं एज के बेसिस पे या सेक्स के बेसिस पे यू विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, बट हियर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग, हियर ऑन द बेसिस ऑफ एज यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग, ठीक है। देन स्टेट स्पेशल प्रोविजन बनाता है कि भाई जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उन लोगों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो यहाँ पर भी आप बैक वो कर रहे हो, मतलब जैसे आती है बात कि रिजर्वेशन क्यों है। देन स्टेट को एम्पावरमेंट है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है कि अगर कोई सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड है एससी एसटी से बिलोंग करता है उसको कोई एडमिशन चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। सो अगेन देखिए प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या स्टेट से एडिड हो या ना एडिड हो, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के तो काफ़ी जगह है जहाँ स्टेट ने जो गरीब तबके के लोग हैं या जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। सो आप ये नहीं बोल सकते हो दैट यू कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। देन देखिए 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंदर आया, 93rd अमेंडमेंट एक्ट ने सेंटर ने क्या किया, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मींस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 पास किया, जिसके अंदर क्या कहा गया कि जो ओबीसी के जो 27% कैंडिडेट हैं उनको कोटा देंगे, चाहे वो IITs हों सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हों, IIT एंड IIM को भी इसमें इंक्लूड किया गया। फिर 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको वैलिड भी माना कि अमेंडमेंट एक्ट भी ठीक है ओबीसी कोटा एक्ट भी ठीक है, लेकिन कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट ज़रूर किया कि वो जो क्रीमी लेयर है जो एडवांस्ड सेक्शंस है अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी जो क्रीमी लेयर है उनको आप एक्सक्लूड कर दो। अब क्रीमी लेयर कौन होते हैं,
वो बच्चे जो ओबीसी को तो ओबीसी में तो आते हैं लेकिन क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं तो उन्हें कोटा नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जज है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, यूपीएससी का चेयरमैन या मेंबर है, एसपीएससी का, इलेक्शन कमीशन का, या कंट्रोलर एंड जो हमारे ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, तो अगर इस टाइप का पर्सन है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। सो ये पर्सन्स क्रीमी लेयर में आते हैं, देन ग्रुप ए क्लास वन या ग्रुप बी क्लास सेकंड ऑफिसर्स, ऑल इंडिया स्टेट एंड सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज हो गए, ओके, एम्प्लॉयज़ हो गए जो इक्विवेलेंट पोस्ट इन्जॉय करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, बैंक्स में, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी। तो इस तरीके के कुछ लोग हैं जिनको क्रीमी लेयर में डाला गया, जैसे कॉलोनल रैंक के हो गए, आर्मी एंड नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ऑथर्स। देन कोई पर्सन है अगर ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री में एंगेज है, कोई पीपल है जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड है बियॉन्ड द लिमिट एंड वेकेंट लैंड है, उसके पास बिल्डिंग है अर्बन एरिया में, और वो पर्सन जिनकी ग्रॉस एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से ज़्यादा है, ठीक है। 1993 में जब क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस किया गया था तब सिर्फ ये 1 लाख थी, लेकिन उसके बाद 2.5 लाख की गई, फिर 4.5, फिर 6 लाख की गई 2013 में। तो ये होता है आपका क्रीमी लेयर। देन देखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, 16 आर्टिकल ये कहता है कि आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मींस अगेन रेस, रिलीजन, कास्ट, इन सब बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सबको बराबर हक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पर एक्सेप्शंस कैसे हैं, देखिए कुछ स्पेशल यूनियन टेरिटरीज़, लोकल अथॉरिटीज़ या स्टेट हैं जहाँ पे जो पार्लियामेंट है उन्होंने कंडीशन बनाई हुई है, जैसे कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो 1957 था वो 1974 में ख़त्म हो गया। अब पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अब तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया है, तो कोई प्रोविज़न नहीं है अभी इन स्टेट्स के लिए। स्टेट रिजर्वेशन भी देता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ही नहीं है। फिर जो लॉ है वो अगेन देखिए रिलेट कर देते हैं अपने आपको रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन से। सो इस तरीके के अगर आप जैसे पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप उसके मेंबर हैं, तो लॉ जो है वो थोड़ा बहुत मतलब पार्शलिटी यहाँ पर भी कर देता है। तो इस तरीके की बातें सामने आती हैं। सो एक मंडल कमीशन एंड आफ्टर मार्थ की सिचुएशन आई 1979 में, जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट की, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, बीपी मंडल जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 340 कि देखो कि किस तरीके से हम जो सोशली या जो एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनको कैसे एडवांस कर सकते हैं। तो ये कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में एंड कहा कि 3743 कास्ट ऐसी हैं जिन्हें आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कह सकते हैं, जिसमें से नियरली 52% जो पॉपुलेशन है वो इंक्लूड हो जाती है एससी एसटी को छोड़ के। तो ये कमीशन ने कहा कि भाई 27% जॉब जो है वो आप ओबीसी के लिए फिक्स्ड कर दो, ताकि जो टोटल रिजर्वेशन है एससी एसटी वो सिर्फ 50% ही बना रहे। सो 1990 में 10 साल बाद जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि ठीक है ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन रखेंगे। 1991 में जब दोबारा से नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, उन्होंने फिर से दो चेंजेस कर दिए, उन्होंने पुअरर सेक्शंस को 27% कोटा दे दिया, साथ ही साथ में रिजर्वेशन दे दी 10% ऑफ जॉब्स फॉर द पुअर जो हायर कास्ट के लोग हैं, लेकिन वो स्कीम्स ऑफ रिजर्वेशन में नहीं आते बट दे आर द पुअर इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है, उनको रिजर्वेशन दे दी 10%। सो इस तरीके से जो आपको काफ़ी सारे केसेज हैं वो आप मेंस आंसर राइटिंग के अंदर लिख सकते हैं एंड प्री में भी इससे रिलेट करके क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। फेमस मंडल केस 1992 में आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 को क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया। उसमें क्या कहा जाता है कि आप जॉब्स को रिजर्व कीजिए फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्जामिन किया एंड कोर्ट ने तो देखिए रिजेक्ट कर दिया कि आप जो ये हायर क्लास के जो पुअरर पीपल हैं इनके लिए जो 10% रिजर्वेशन कर रहे हैं ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, मींस ये तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन जो ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन है उसको हम मान सकते हैं। तो इस तरीके से जो एडवांस सेक्शंस थे ओबीसी के, जो क्रीमी लेयर हमने पढ़ा, उन्हें तो बेनिफिशियरी जो रिजर्वेशन है उससे एक्सक्लूड कर दिया गया। फिर अब देखिए हम कैसे
सकते हैं, कोई हम नहीं कह सकते जो हमारा चैप्टर में लिखा हुआ है, नो रिजर्वेशन इन प्रोमोशंस रिजर्वेशन शुड बी कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट्स ओनली। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको अपॉइंटमेंट मिली तभी रिजर्वेशन है, आपकी जो रिजर्वेशन रहेगी वो प्रोमोशन में भी रहेगी, ठीक है। जो टोटल रिजर्व्ड कोटा है वो तो 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, ये रूल हर जगह अप्लाई होता है। कैरी फॉरवर्ड रूल, अगर मान लीजिए कोई पहले वैकेंसी फिल नहीं है तो आप उसको आगे वैलिड कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी आपका 50% रूल वॉयलेट नहीं होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी सबको मिलाकर। एक परमानेंट स्टैचुटरी बॉडी इस्टेब्लिश करनी चाहिए जो कि ओबीसी का ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन की कंप्लेंट्स जो हैं उन्हें एग्जामिन करे। सो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्शंस लिए, रामनंदन कमेटी को अपॉइंट किया गया कि आप देखिए क्रीमी लेयर कौन कौन है ओबीसी के अंदर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1993 में जिसे एक्सेप्ट किया गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो 1993 में बनाई गई, उन्होंने भी कहा कि आप किस तरीके के जो कास्ट हैं जो कि बैकवर्ड हैं एंड किनको इंक्लूड करना चाहिए, किसे एक्सक्लूड करना चाहिए फॉर जॉब रिजर्वेशन। सो इस तरीके से काफ़ी सारा अमेंडमेंट्स हुए एंड फिर एक अमेंडमेंट हुआ 1995 में जिसमें आर्टिकल 16 में ये जोड़ा गया कि रिजर्वेशन होगी प्रोमोशन में भी इन द फेवर ऑफ एस सी एंड एस टी। एंड अगेन 85th जो अमेंडमेंट एक्ट था 2001 का, उन्होंने भी कॉन्सिक्वेंशनली सीनियोरिटी दी इन द केस ऑफ प्रोमोशन बाय द वर्च्यू ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द पीपल टू बिलोंग जो एस सी एस टी को बिलोंग करते थे। सो इस तरीके से जो बैकलॉग वैकेंसीज थी जो जिसे उसे नलीफाई कर दिया गया 81st अमेंडमेंट 2000 से, एंड वहाँ पर एक नया प्रोविज़न डाला गया आर्टिकल 16 में कि अगर कोई भी वैकेंसी अनफिल्ड रह जाती है सो एज सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप इन एनी सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स, मीन्स आप उसे कंबाइन नहीं कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो 50% ही रहेगा। 76% अमेंडमेंट एक्ट 1994 में आया जिसने तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 को 9th शेड्यूल में डाला कि आप उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पे 69% रिजर्वेशन है जबकि 50% अलाउड है। तो इस तरीके से एक्ट्स आए गए। देन देखिए 4th जो है वो आपका बात करते हैं अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मीन्स आर्टिकल 17 ये कहता है कि अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, इस तरीके की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। 1976 में जो अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 था उसको अमेंड किया गया एंड दोबारा से नाम दिया गया क्या, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ताकि जो प्रोविजंस हैं जो स्कोप है वो बढ़ाया जा सके। एंड एक सिविल राइट, इट डिफेंड्स द सिविल राइट कि आपको कोई मतलब छुआछूत के बेसिस पे आपको कोई परेशान ना करे। तो जो टर्म अनटचेबिलिटी है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है ना ही एक्ट में डिफाइन है। तो मैसूर हाईकोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 17 का जो सब्जेक्ट मैटर है इज़ नॉट अनटचेबिलिटी इन लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस बट इट इज़ रिलेटेड टू द प्रैक्टिस, मीन्स जो सोशल डिसेबिलिटीज़ होती हैं जैसे बर्थ के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे हो जाती हैं कि सोशली बॉयकॉट कर दिया जाता है कि इनको इन रिलीजियस सर्विसेज में हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो सिविल राइट्स एक्ट प्रोटेक्शन जब आया 1955 में, तो अगर कोई भी ऑफेंसेज ऐसा होता है कि आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी करते हो तो 6 महीने की सज़ा एंड 500 रुपये का फाइन का प्रावधान किया गया। सो इस तरीके से अगर कोई देखिए अनटचेबिलिटी आप करते हैं तो आप पार्लियामेंट के इलेक्शंस नहीं कर सकते, स्टेट लेजिस्लेचर के एक्शन में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो आपका एक्ट ने फिर डिक्लेयर किया कि अगर मान लीजिए आप कहीं पूजा करना चाहते हैं, पब्लिक वर्शिपिंग है, ठीक है, ट्रेडिशनल रिलीजियस या फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स के बेसिस पे आप शॉप्स से डिनाई नहीं कर सकते हो अगर कोई शॉप से कुछ लेना चाहता है, ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को इंसल्ट नहीं कर सकते हो अगर वो एससी से बिलोंग करता है, एंड आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो कि हम हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं देंगे या हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हॉस्टल में उसको नहीं रखेंगे। सो इस तरीके से अनटचेबिलिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ख़त्म करने की कोशिश की गई। किसी पर्सन को गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 17 जो है वो साफ मना करता है दैट यू कैन नॉट डू दिस। देन आर्टिकल 18 जो कि बात करता है कि टाइटल्स नहीं देंगे, सिर्फ मिलिट्री और अकेडमिक टाइटल्स आप दे सकते हैं, लेकिन आप
कोई भी ऐसा टाइटल राजा महाराजा वाला नहीं दे सकते। फॉरेन स्टेट के थ्रू जो टाइटल्स मिले थे उनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोई भी फॉरेन अगर वो कोई ऑफिस ऑफ लाभ के पद पर है, ट्रस्ट के पद पे है, तो वो टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी सिटीज़न या फॉरनर हो तो वो भी स्टेट के अंदर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्लियर कर दिया गया, जैसे बोल देते थे ना महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, तो ये सब बैन कर दिए गए अंडर आर्टिकल 18। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल अवार्ड्स हैं उनको वैलिड माना, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो इस तरीके के ये टाइटल्स नहीं माने गए आर्टिकल 18 के अंदर, क्योंकि ये हेरिडिटरी टाइटल्स नहीं हैं, ये आर्टिकल 18 को वॉयलेट नहीं करते, बट दे आर रिकॉग्नाइज। तो ऐसे आप अपने नेम के आगे डॉक्टर वगैरह लगा सकते हैं। देन नेशनल अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स आप सभी को पता होगा 1954 से मिलने शुरू हुए, एंड जो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उन्होंने 1977 से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसे दोबारा शुरू कर दिया। अब आपका राइट ऑफ फ्रीडम आ जाता है। राइट ऑफ फ्रीडम में सबसे पहले आपके आता है प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स, जो आर्टिकल 19 में है। मतलब आपको यहाँ पे सिक्स राइट्स मिलती हैं, ठीक है, आर्टिकल 19 में, कि आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, पीसफुली बिना किसी आम के आप कहीं पे इकट्ठा हो सकते हैं, आप एसोसिएशन यूनियन बना सकते हैं, आप फ्रीली घूम सकते हैं, किसी भी जगह आप रिजाइड कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले इसमें 7 राइट्स थे, लेकिन जो राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी है, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ख़त्म कर दिया गया। ये जो 6 राइट्स हैं ये अगेंस्ट सिर्फ स्टेट के हैं, इस प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, एंड सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, शेयर होल्डर्स को अवेलेबल हैं, फॉरनर्स या लीगल पर्सन्स को भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इस पर। सबसे पहले तो देखिए, हर सिटीज़न के पास राइट है अपने व्यूज़, ओपिनियन, ये सब एक्सप्रेस करने का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए ये ध्यान रखिएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस इसके अंदर आता है।